Why multiple inheritance is not supported in Java? To reduce the complexity and simplify the language, multiple inheritance is not supported in Java. Okay? अगर हम लोग को अगर कॉम्प्लेक्सिटी अपने प्रोग्राम की रिड्यूस करना है और मतलब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर हमें अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है तो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और जनरली यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है. कंसिडर अ सिनेरियो वेयर ए बी सी आर थ्री क्लासेस. द सी क्लास इनहेरिट्स ए एंड बी classes. If A and B classes have the same method and you call it from child class object, there will be ambiguity to call the method of A or B class. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक क्लास A है और एक क्लास B है. यहाँ पे एक क्लास हमने ले लिया, क्लास A और क्लास बी. दोनों में हमने क्या बनाया, एक void message नाम का एक मेथड बनाया. यहाँ पे भी void message नाम का एक मेथड बनाया. ठीक है, अब क्लास सी हमने बनाया, उसमें एक्सटेंड कर दिया ए कॉमा बी, मतलब ए और बी दोनों को एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, पहली बात तो ये सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है, अगर हमने कर भी दिया तो यहाँ पे जो मैसेज नाम का मेथड बना हुआ दोनों का सिग्नेचर सेम है. ठीक है, तो इस केस पे ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है हमने सी का, सी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है. तो सी का ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, यहाँ पे obj डॉट मैसेज हमने कॉल किया, तो यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखना पड़ेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा. ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा कि दोनों में वो कंफ्यूज होगा कंपाइलर कि दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करें, इसको करें या इसको करें, दोनों का सिग्नेचर सेम है और दोनों ही क्लास के मेथड यहाँ पे अवेलेबल होंगे क्लास सी में. ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, कुछ कुछ एरर हम लोग को बताएगा. इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, सपोर्ट करता है लेकिन वो रन नहीं होगा कभी भी, कंपाइल टाइम एरर ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर दिखाता है, मतलब एक्सटेंड्स ए कॉमा बी ये सिंटेक्स एरर ही होता है एक्चुअल में, ये सिंटेक्स में ही नहीं आता है क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करता, तो उसके हिसाब से सिंटेक्स बनाया ही नहीं गया है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रीली कोई भी सिग्नेचर के मेथड यहाँ पे बना सकते हैं कोई भी क्लास में, कोई इशू नहीं होता है. लेकिन जब हम लोग उसको इनहेरिटेंस में यूज करते हैं उस केस पे डिपेंड करता है कि उसका नेम क्या है. इसलिए जावा में जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता. हमने जावा में ओवरलोडिंग पढ़ा है जिसमें हम लोग एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं विथ सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स. हम लोग एक ही नाम के मेथड्स बना सकते हैं बट उसके पैरामीटर्स जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का. ये जनरली हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं मेथड ओवरराइडिंग का, और यहाँ पे हम लोग जब इनहेरिटेंस करते हैं तभी काम आता है, अदरवाइज ये सिंगल क्लास के लिए नहीं होता है. मेथड ओवरराइडिंग जो है हमेशा इनहेरिटेंस को यूज करता है. यहाँ पे देखते हैं, इफ सब क्लास और हम लोग इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज method overriding in Java. ठीक है, if subclass has the same method as declared in the parent class, it is known as method overriding in Java. अगर parent class ने एक method बनाया है, ठीक है, same नाम का method बना देता है child class, तो ये method overriding होता है. जिसका भी object बनेगा, जो भी class का object बनेगा,
वो अपने ही क्लास के मेथड को कॉल करेगा अगर सेम नाम का होगा तो. इन अदर वर्ड्स, इफ ए सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, इफ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई सब क्लास है वो कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देता है अपने मेथड का, मीन्स उसने अपने कुछ स्पेसिफिक लॉजिक वहां पे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, या फिर डिफाइन कर दिया वहां पे, ठीक है, अपने मेथड के अंदर में. ठीक है, अगर वो जो है, अगर पेरेंट क्लास भी सेम नाम का मेथड बनाया लेकिन लॉजिक उसका डिफरेंट है, लॉजिक डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. दोनों में सेम नाम के क्लासेस है बट दोनों के लॉजिक अलग अलग है, मतलब दोनों के काम अलग अलग, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के सिग्नेचर सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, नेम भी सेम हो सकता है, रिटर्न टाइप भी सेम हो सकता है. ठीक है, यूसेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, क्या यूज है इसका ये हम लोग देखते हैं. मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देना होता है जो कि पहले से प्रोवाइड कर चुका है हमारा सुपर क्लास, ठीक है, अगर हम लोग को सेम मेथड में कोई दूसरा इम्प्लीमेंटेशन देना है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमें वो, हमने वो छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोड को कंटिन्यू करके हम लोग एक नया लॉजिक वहां पे लिख सकते हैं. दोनों का मेथड नेम सेम है, जिसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉल करेगा. मेथड ओवरराइडिंग इज यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट होता है वो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं. ठीक है, ओवरलोडिंग जो हम लोग सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल मेथड बनाते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं और हम लोग पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप यूज करके हम लोग सेम मेथड बनाते हैं दोनों में, दोनों को सिग्नेचर भी सेम होता है. ठीक है, और हम लोग यहाँ से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं. ओके, रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइटिंग. ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन रूल देखते हैं इसका. फर्स्ट रूल है द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास. ठीक है, हम चाइल्ड क्लास में जो भी मेथड बनाएंगे अगर सेम नेम का मेथड हमारे पेरेंट क्लास में अवेलेबल है तो हम लोग सेम सिग्नेचर यूज करेंगे हमेशा. ठीक है, उसका नेम सेम रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो सकते हैं. रूल नंबर टू, द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास. ठीक है, नेम मतलब सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम लोग को यूज करना है चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में दोनों. रूल नंबर थ्री, देयर मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस होना मस्ट है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा रूल्स, तीन रूल है, नेम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा रिटर्न टाइप भी सेम ही होना चाहिए. ठीक है, और दोनों इज ए रिलेशनशिप में होना चाहिए, मींस इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए. क्लियर है इतना? यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है व्हीकल. ठीक है, एक क्लास बनाया है व्हीकल. व्हीकल के अंदर हमने एक वॉइड रन नाम का एक मेथड बनाया है. ठीक है, और उसके अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं व्हीकल इज रनिंग. देन उसके बाद हमने एक और चाइल्ड क्लास बनाया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास है हमारा बाइक. ठीक है, हम लोग उसको क्या कर दिए, व्हीकल से एक्सटेंड कर दिए, मतलब व्हीकल
के अंदर एक रन मेथड है, वो आप किसके अंदर अवेलेबल होगा, इस बाइक के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया बाइक का, बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट डॉट रन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो ये सिंपल सा इनहेरिटेंस का ही प्रोग्राम है जो ये व्हीकल इज रनिंग प्रिंट करेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही मेथड है यहाँ पे, void run, वही बाइक के अंदर अवेलेबल होगा और बाइक के ऑब्जेक्ट से ही कॉल हो रहा है। तो हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा, व्हीकल इज रनिंग। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इस बाइक के अंदर सेम मेथड बनाऊँ, void run, ठीक है, सेम मेथड बनाऊँ, तो वो हम लोग कैसे यहाँ पे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, मेथड ऑफ ओवरराइडिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक यहाँ पे हम लोग ने एक क्लास लिया व्हीकल, और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया रन। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है व्हीकल इज रनिंग। सेकंड यहाँ पे हमने लिया है बाइक टू। ठीक है, पहले हमने बाइक ले लिया था, तो यहाँ पे बाइक टू हमने बना लिया है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग इस व्हीकल को। ठीक है, मतलब ये वॉइड रन जो है वो बाइक टू के अंदर अवेलेबल हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉइड रन नाम का मेथड हम लोग इसमें भी बनाए, सेम वही रिटर्न टाइप, वही नेम, वही नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और इसके अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिख दिए बाइक इज रनिंग सेफली। यहाँ पे हम लोग व्हीकल इज रनिंग लिखे, यहाँ पे बाइक इज रनिंग सेफली हमने प्रिंट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, बाइक टू ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक टू। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बाइक टू का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ओबीजे डॉट रन, ओबीजे डॉट रन हमने किया। अब यहाँ पे किसका कॉल होगा, किसका मेथड कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा या फिर ये वाला कॉल होगा, ये कंपाइलर डिसाइड करता है। कंपाइलर को पता होता है कि यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा उसका ही रन मेथड कॉल करेगा, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखने मिलेगा, बाइक इज रनिंग सेफली। ओके, बाइक इज रनिंग सेफली। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम लोग ओवरराइडिंग की, यहाँ पे सिग्नेचर हमने सेम रखा है। ठीक है, रिटर्न टाइप भी सेम है, नेम भी सेम है, और पैरामीटर भी सेम है, तो जिसका भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बनाते व्हीकल ओपीजे वन इक्वल टू न्यू व्हीकल इस टाइप का, और ओबीजे वन डॉट हम लोग करते हैं रन, तो ये वाला एग्जीक्यूट होता, व्हीकल इज रनिंग यहाँ पे हम लोग को मिलता। तो यहाँ पे जिसका भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसी के मेथड को वो कॉल करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे व्हीकल हमने बनाया और इस रन को कॉल कर लिया, ये नहीं होगा कभी भी। जिसका भी ऑब्जेक्ट होगा मेमोरी उसी को मिलेगी और वो उसके ही मेथड को वो कॉल करेगा।